हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वीवो 8020 में ऐप हाइड कैसे करें विदाउट एनी ऐप्स। इसके बारे में हम जानेंगे कि ऐप के बिना, किसी भी ऐप के बिना हम ऐप हाइड कैसे करें। तो इसके लिए हम अपने फ़ोन के अंदर चले जाते हैं और इसके बाद इसमें हम अपने सेटिंग के ऊपर क्लिक कर दिए हैं। तो हम सेटिंग के अंदर आ चुके हैं। तो नीचे जाने के बाद सिक्योरिटी वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर अभी हम जाएंगे और उसके अंदर अभी देखिए अभी हम क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद से उसके अंदर अभी हम जाएंगे तो उसके अंदर हमारा सेटिंग है उसके बारे में बताएंगे। तो उसको आप देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप और इसको फॉलो कीजिए बिना स्किप किए वीडियो को। तो सेव फाइल बॉक्स, इस पर अभी हम क्लिक करेंगे। हमारा ये कंटेंट बहुत ही अच्छा है, ये आपके लिए है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए गाइस। तो इस पर हमें क्लिक कर दिए तो अपना पासवर्ड डालेंगे तो हमारा पासवर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा तो फॉरवर्ड पासवर्ड क्लिक करेंगे। मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कि इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए फॉरवर्ड पासवर्ड, यानी कि उनका पासवर्ड डिलीट हो गया। तो इसके लिए अभी अपने फ़ोन के अंदर आ चुके हैं यहाँ पर लॉक के अंदर। तो जो आपका लॉक मालूम होगा तो आप लॉक पर अपना लॉक खोल लीजिएगा। अगर आपको लॉक मालूम होगा तो लॉक खोलने के बाद से यहाँ पर जाने के बाद अपना लॉक चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पर डिसेबल भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको अभी स्किप करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर चले जाते हैं गाइज। और लास्ट में बताएंगे कैसे हाइड करना है इसको भी बताएंगे गाइज। तो इसके अंदर अभी हम अपना चले जाते हैं अपने फ़ोन के अंदर। और इसके लिए आपको एक अपने फ़ोन के अंदर को सारे फोटोज़, वीडियोस, इमेजेस सारे चीज एक फाइल बनाकर उस फाइल के अंदर रख दीजिएगा और अपने फाइल ऐप के अंदर जो आपका मैनेजर ऐप होगा फाइल ऐप, उसके अंदर जाने के बाद उसमें आप वहां पर सर्च कीजिएगा तो आपका वो फाइल मिल जाएगा। उसमें उसको सारे एक डॉक्यूमेंट बनाकर उसमें सेव कर दीजिएगा। तो चलिए उसके बारे में बताते हैं कि अपना डॉक्यूमेंट में उसको सेव कर दीजिएगा। इसके बाद अपने फ़ोन को रीसेट कैसे करना है इसको भी बता देते हैं इसमें। तो चलिए गाइस, हम थोड़ा सा टाइम में आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही न्यू ट्रिक इसमें बता देंगे गाइस। तो अपने फ़ोन के अंदर अभी हम चले जाते, तो उससे पहले अपना यहाँ पर एक कोई भी नेम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर कर इसको खोलने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम कुछ भी यहाँ पर टाइप करते हैं गाइस और इस पर टाइप करने के बाद वेरीफाई वाले आइकन पर अभी हम क्लिक करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे तो इनकरेक्ट हो गया। तो गाइस चलिए अभी हम बता देते हैं कैसे आपको सेव करना है। तो आप अपने पूरे फ़ोटो, फाइल्स, म्यूजिक्स सब के अंदर उसको सेव कर दीजिएगा गाइज। और उसके बाद उसको एक डॉक्यूमेंट बनाने के बाद अपने व्हाट्सएप के अंदर, यानी अपने व्हाट्सएप के अंदर किसी भी फ्रेंड्स की व्हाट्सएप आईडी पर आप शेयर कर दीजिएगा गाइज। और उसके अंदर आपका ये आईडी, पूरा आपका डिटेल्स उसमें सेव हो जाएगा गाइज। तो चलिए बता देते हैं कैसे आपको प्राइवेट कर देना है उसको सेटिंग को व्हाट्सएप के अंदर के। उसको प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद से नीचे जाने के बाद यहाँ पर हम जो जो सेटिंग ऑन कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर अपने फ़ोन की सेटिंग कर लीजिए गाइज और वैसे वैसे सेटिंग ऑन कर दीजिए। और यहाँ पर एवरी भी लिखा हुआ है तो एवरी मत कीजिएगा, यानी कि आपकी पर्सनल डिटेल्स आपके फ्रेंड्स तक पहुँच सकती है, इसको अपने तक ही रखिए गाइज। इसके बाद से निकलने के बाद आपको बता देते हैं कि कैसे आपको अपने फ़ोन को रीसेट मारना है। तो इसके लिए अपने सेटिंग पर चले जाना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद से हम जो जो यहाँ पर सेटिंग करेंगे वैसे वैसे कर दीजिए। मोर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद एसेसिबिलिटी को आपको यहाँ पर ढूंढना है, नीचे एसेसिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए बैकअप रीसेट यहाँ पर दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो अपना फ़ोन रीसेट होगा। उसमें जो जो ऑप्शन मांगेगा उसको अप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ से रीसेट अपने फ़ोन को कर सकते हैं। तो चलिए बता देते हैं कि कैसे अपना लॉक फ़ोन के अंदर के अपना खोल सकते हैं। आपको अगर लॉक मालूम है तो आप कैसे हाइड कर सकते हैं ऐप को। तो उसके अंदर चलने के बाद उसके बाद यहाँ पर अभी अपना लॉक डालते हैं, जो आपको लॉक मालूम होगा उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर ऊपर आपका यह लॉक यहाँ पर लिख देगा, यहाँ से आपका लॉक खुल जाएगा। यहाँ पर मूव इन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक म्यूजिक या फिर फ़ोटो कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो हम म्यूजिक एक सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद से इसको एक सेलेक्ट करने के बाद से मूव इन पर क्लिक कर देंगे तो आपका म्यूजिक यहाँ पर सेव हो जाएगा।
और इसके बाद से यहाँ पर देख लीजिए सेव हो गया। तो इसको बाहर ले जाने के लिए फिर से म्यूजिक को हम एडिट पर क्लिक कर देंगे। ऊपर एडिट पर क्लिक करने के बाद से हम दोनों म्यूजिक को सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद से इसको मूव आउट पर क्लिक कर देंगे। मूव आउट पर क्लिक करने के बाद से इसको डायरेक्ट ओरिजिनल फाइल में भेज देंगे। यहीं से हम इसको अपने ओरिजिनल फाइल में भेज देंगे। और पूरा डिटेल्स हमारा यहीं तक था गाइज। सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। कॉन्टेंट कैसा लगा गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।